अजीज तलबा, पिछली वीडियो में हमने देखा कि फन किसे कहते हैं और फन की दो अहम किस्में कौन सी कौन। अजीज तलबा, आप हम इस वीडियो में देखेंगे कि फन की रिवायतें क्या है और तर्ज़ फन किसे कहा जाता है। तो अजीज तलबा, फन की दो अहम रिवायतें हैं, फन लतीफ यानी क्लासिकी फन और अवामी फन। फन लतीफ क्लासिकी फन की तख्लीक तयशुदा उसूलों के मुताबिक होती है, इसके लिए तवील अरसे तक तरबियत हासिल करना जरूरी होता है। अजीज तलबा, फन लतीफ जो है ये एक डिक्लेयर्ड या बोलेंगे आप पहले से ही जिसके उसूल फिक्स है या फिर जो भी आर्ट जो भी फन है कुछ इनके फिक्स स्टेप्स होते हैं, है ना। तो इसको सीखने के लिए बहुत काफी अर्सा लगता है क्योंकि वो आसान नहीं होते और उसमें इंसान अपनी तरफ से ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकता। जो वो आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं पुराने जमाने से, तो हम उसी को फॉलो करना है, उसे सीखने के लिए काफी वक्त लगता है, इसीलिए तो तवील अरसे की तरबियत हासिल करना जरूरी होती है। अब अवामी फन, अवामी फन की रिवायत पत्थर के जमाने से मुसलसल जारी है। इसकी तकलीफ लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का जज्बा होती है। अवामी फन की रिवायत में फन ज़ार में बेसाख्तगी पाई जाती है। अवामी फन समाज ग्रोह और अफराद की अमली शिरकत से तख्लीक पाता है। अजीज तलबा, ये जो फन होता है अवामी फन, ये इसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। हर इंसान इसमें मतलब पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें हिस्सा ले सकता है और इसको परफॉर्म करने के लिए या इसका इजहार करने के लिए आपको किसी भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है या इसको करने के लिए आपको किसी भी तरबियत की कोई जरूरत नहीं होती है। और इसमें भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, बेसाख्तगी होती है, जिसको जैसा लगता है परफॉर्म करता है या उसका इजहार करता है। अब हम देखेंगे तर्ज फन। हर फनकार का फन तख्लीक करने का अपना एक मखसूस तर्ज यानी तरीका होता है। जब कोई तरीका रिवायत की हैसियत इख्तियार कर जाता है तो इसको मखसूस तर्ज फन कहा जाता है। हर तहजीब में मुख्तलिफ अदवार और इलाके की खसूसियात के लिहाज से फन तरक्की पाता है। अजीज तलबा, तर्ज फन यानी क्या? अगर कोई फन है या कोई एक ऐसा आर्ट है जो मुसलसल पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, मतलब पहले उनके माँ बाप मतलब दादा करते थे, उनके बाद उनके वाले साहब करते थे, बच्चे करते थे, तो इस तरह क्या हो गया, खानदानी हो गया या पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। इसमें इनकी रिवायत आ गई कि भाई जो वो करते थे ये भी वही करते हैं और इनके जैसी जो फन के अंदर जो खूबसूरती है या फिर जो बनावट है वो आम लोगों के हाथों से नहीं है। तो इनका जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है फन, इसको हम मखसूस तर्ज फन कहा जाता है।